नमस्कार दोस्तों, आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि मरता क्या ना करता। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं और किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था क्रम्बल कर रही है ये भी आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। और एक अजीब सी घटना पाकिस्तान से निकल कर आई है जिस पर आप विचार करेंगे कि कैसा देश है पाकिस्तान। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने अपने देश की चिड़ियाओं को मारने के लिए पासिस बांटने स्टार्ट किए हैं। इन पासिस को वो यूएई के 7 कंट्रीज़ और सऊदी अरब के शासकों और उनके प्रिंसेस को बांटता है। ये कोई आम पासिस नहीं है, इन पासिस की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। आखिर पाकिस्तान क्यों एक पास को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचता है और अपने देश की चिड़िया को मरवाना चाहता है? तो चलिए आपको पूरी कहानी समझाता हूँ कि क्यों मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के शेख और वहाँ के प्रिंस इस चिड़िया को मारने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलियन ऑफ डॉलर देते हैं। दोस्तों, आपने यूएई का नाम तो सुना ही होगा। यूएई 7 देशों का एक समूह है, इसी में से एक देश है दुबई। दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद और उनके परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पासिस दिए। आखिर ये पासिस किस काम के थे और क्यों मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट से प्रिंस ने ये पासिस लिए? दोस्तों, सारी कहानी घूम फिर कर एक चिड़िया पर आती है, चिड़िया जिसका नाम है बस्टर्ड बर्ड, जो आप स्क्रीन पर मेरे पीछे उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये चिड़िया का शिकार करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं और ये पासिस इन्हें चिड़ियाओं का शिकार करने की छूट देते हैं। दोस्तों, ये बर्ड सेंट्रल एशिया का नेटिव बर्ड है। सेंट्रल एशिया में मैं आपको बताना चाहूँगा 5 कंट्रीज़ आती है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। सर्दियों में ये बर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उड़कर आ जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट पाकिस्तान है, जिस वजह से ये वहाँ पर भी जाता है। जैसे ही ये बर्ड पाकिस्तान पहुँचती है, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। पाकिस्तान पहुँचने के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट शेखों को और उनके प्रिंस को इसका शिकार करने के लिए अपने देश में बुलाती है और उन्हें पास देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खासियत है इस चिड़िया में कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद इसका शिकार करने के लिए लोग पाकिस्तान जाते हैं। दोस्तों, इस पक्षी के शिकार के पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण तो शौक, क्योंकि शौक बड़ी चीज़ है और जिसके पास पैसा है वह अपना शौक पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी चीज़, इसका स्वादिष्ट मीट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको इसका मीट बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण है, वह है सेक्सुअल ड्राइवनेस बढ़ाने के लिए, अपनी सेक्सुअल पावर इन्हेंस करने के लिए शेख इसके मीट को खाते हैं। अपनी बड़ी बड़ी एसयूवीज और काफिले के साथ, जिसमें 100 से 150 लोग होते हैं, उनके कुक, उनके नौकर, एक बड़ा काफिला चलता है और इकोलॉजी की परवाह किए बिना बेधड़क तरीके से इस बर्ड को हंट किया जाता है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, जहाँ से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कि यह बस्टर्ड बर्ड IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की रेड लिस्ट में आता है। IUCN की रेड लिस्ट में वे ही प्राणी या पौधे या जीव आते हैं जिनके अस्तित्व पर आज पृथ्वी पर खतरा है, जो बहुत ही कम नंबर्स में बचे हैं और जिनका संरक्षण इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश मिलकर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन कानून की भी धज्जियां उड़ाते हैं सिर्फ कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, जिससे वह अपने देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से कुछ साल के लिए चला सके। दोस्तों, हमारे देश की सरकार इस पर पहले ही बहुत सख्त कदम उठा चुकी है। हमारे देश की सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को निकालकर इसके हंट पर या फिर किसी भी ऐसे प्रजाति के हंट पर प्रतिबंध लगाया है जो खतरे में है, जिनका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में ना ही तो उनकी सरकार तरीके से काम करती है और ना ही उनकी कोर्ट। उनकी कोर्ट ने, पाकिस्तान की कोर्ट ने 2014 में उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हंट पर बैन लगाया था, लेकिन 2015 में ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिवोक किया और दोबारा इसके हंट करने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, जिस देश की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ पर ना ही तो नेता, ना ही जनता और ना ही उस देश की सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, जहाँ पर डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जाती है,
क्या यूनाइटेड नेशन कहता है, क्या IUCN कहता है, क्या वर्ल्ड बैंक कहता है, क्या IMF कहता है, पाकिस्तान को इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब है तो सिर्फ सत्ता पाने से, चाहे उनकी आर्मी हो चाहे उनके नेता हो। नेताओं को पता नहीं चलता कब रातों रात तख्तापलट कर दिया जाता है, कब किस तरीके से परवेज मुशर्रफ वहाँ के राष्ट्रपति बने, आप भली भांति वाकिफ हैं। दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा किया गया काम पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं और हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं नीचे रेड कलर के दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।